नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, ये संडे का पार्ट टू वीडियो है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत से कुलियस के साथ पार्ट टू का वीडियो शुरू कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं दिखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये मनी प्लांट को देखिए आप, नीचे ऊपर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर नीचे देखिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और देखते हैं फिर कैसे इसको हम संभालते हैं। आज सोच रही हूँ इसको कुछ काम कर लूँ, पर अभी बारिश लगातार हो रही है तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी मेरे स्कूल की काम से पूछे थोड़ी सी फुर्सत नहीं मिल रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है सारे गुलाब के प्लांट्स। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये पान कितना ज़्यादा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। इस नीचे की तरफ आकर ये नीचे भी लग गए हैं। और रूटिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए रूट्स को आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें रूटिंग हो रही है और पत्ते बहुत ज़्यादा भर गए हैं। इनको मॉस स्टिक मुझे देना है पर नहीं दे पा रही हूँ। और जहाँ भी ये पान की ब्रांच आकर रहते हैं तो यहाँ से फिर ये लग जाते हैं। ये देखिए, ये सारे लग जाते हैं। और अभी पान की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, गंधराज, और गंधराज के ये वाले प्लांट के तो सारे कली गिर गए हैं। और इस तरफ देखिए दोस्तों, ये है देसी रोज़ है, और देसी रोज़ में काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है ये बारिश से। ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल वजन से ये फिर फूल गिर रहे हैं। अभी बारिश में बहुत जल्दी फिर फूल स्पेंट हो जाते हैं। ये वाला फ्लावर देखिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी हो गई है। और ये देखिए, ये कली अभी ख़राब हो रही है। ये सारे जो कली ख़राब हो रहे हैं इनको मैं प्रून कर दूंगी। और अभी कैटरपिलर का अटैक मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये है आबरा कडाबरा टाइगर रोज़। ये कितनी छोटे छोटे हो रहे हैं तो इनको सारी अभी मैं कट करूंगी। और ये देखिए दोस्तों, ये बेबी सन रोज़ ये ख़राब हो रहे थे तो मैं इनको थोड़ी सी अलग जगह पर लाकर शिफ्ट कर दी हूँ। और इनकी कटिंग्स भी मैंने इतने बहुत सारे लगा लिए हैं, सारे गमलों में, किसी किसी गमलों में मैंने लगा लिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये साइप्रस वाइन को मैंने कट कर दिया था और जो लगे हैं ये भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। बारिश का पानी गिर रहा है तो इससे ये फ्रेश रह रहे हैं। और पर इनकी जो प्लांट है मैंने कट करके निकाल दी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये छुई मुई के प्लांट कितना बड़ा हो गया है और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने कुछ क्रिसेंथेमम की कटिंग लगा ली है वहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ये और दोस्तों, यहाँ पर ये दिसंबर का प्लांट है और बल्लेरिया जिसको बोलते हैं। और ये देखिए बल्लेरिया प्रायोनिटिस, इनमें कांटे होते हैं, बज्रदंती, तो ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट होता है तो इनको घर में रखना ही चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए परचुलाका और पर्सलिन अभी बारिश से बिल्कुल भीगे हुए हैं, बिल्कुल मिट्टी गीली है, तो मैं सोच रही हूँ इनकी भी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सारे गमले को मैंने ऐसे लुढ़का कर रखा था क्योंकि ये देखिए ये लीफ अभी ख़राब हो रहे हैं, तो ओवर वाटरिंग से ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने ये जो पॉट थे इनको थोड़ी सी लुढ़का कर रखा था। और इसको मैं अभी नीचे ले जाऊंगी, नीचे थोड़ी सी बारिश का पानी कम पड़ता है, ऐसे खुले में ही रहते हैं पर उनके ऊपर थोड़ी सी छज्जा होता है तो पानी थोड़ी सी कम पड़ती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे क्रोटन, ये सारे प्लांट्स को हटा कर मैंने अभी साफ़ किया था। वहाँ देखिए, वो एक प्लांट वहाँ पर लुढ़का हुआ है, उसको मैंने नहीं लुढ़काया पर कैसे हो गया है। बहुत ज़्यादा बिल्ली यहाँ पर जाते आते हैं तो बिल्लियों से शायद ऐसे हो गया होगा। और यहाँ सारे कलंचू हैं
और हाइब्रिड वाले जो है वो सारे मैं नीचे ले जाऊंगी। और ये दोस्तों देखिए, ये देसी वाले, ये थोड़ी सी हार्डी प्लांट होते हैं, फिर भी इनको भी बचाना थोड़ी सी मुश्किल भी होता है क्योंकि ज़्यादा पानी होने से ये भी ख़राब होते हैं, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी के होते हैं, इनके पत्तों में पानी होती है तो ज़्यादा पानी से फिर ये ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्रोटन है। और दोस्तों ये सारे प्लांट को मैंने हटाकर इधर उधर रख दिया है, कोई अच्छी तरह से असेंबल नहीं किया है, इनको ऐसे ही रख दिया है, जिसको जहाँ रखना है वहीं पर नहीं रहा है ये, तो इनको थोड़ी सी मैं फिर असेंबल करके रखूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये क्रोटन है, यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, और यहाँ देखिए दोस्तों ये स्नो डस्ट वाला एग्लोनिमा तो ये नहीं है, ये भी एक डाइफनबेकिया की ही वेराइटी है। ये देखिए इनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए हार श्रृंगार का प्लांट अपने आप ही इधर उधर उगते रहते हैं, तो मैं इनको निकाल निकाल कर फेंकती ही रहती हूँ, क्या करूँ इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो। और देखिए दोस्तों, ये पड़ोसियों का जो बेल पत्र का प्लांट है, इनको देखिए आप कितनी ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ किसी को बोल के इसको कटाऊँ थोड़ी सी, क्योंकि इनको काटना मेरे बस की बात तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्रोटन के प्लांट्स हैं, और यहाँ पर ये पेंटास, और ये देखिए ये पिंक वाले जो मिर्ची गुड़हल है ये वाला, और इनके नीचे जो टॉलिनिया थे इनको मैंने हटा दिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिलीबग हो गए थे, तो अभी टॉलिनिया के प्लांट में ज़्यादा मिलीबग की अटैक होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारे डायंथस है, ये देखिए यहाँ पर डायंथस है, यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ इधर उधर करके रख दिया है, इनको फिर अच्छी तरह से फिर अरेंज करके रखना पड़ेगा मुझे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिनी चांदनी है, और ये चाइनीज़ चांदनी भी बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जवा भी बोलते हैं। ये देखिए ये फूल्स पेंट हो रहे हैं, बरसात में ये फूल को ज़रूर निकाल दें क्योंकि ये फिर फंगस कराते हैं। और अभी इनकी सारी जो ये हिबिस्कस हैं, इनकी प्रूनिंग कर दी थी, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये पिंक वाले गुड़हल हैं देसी का, ये वाइट वाला है, और ये रेड वाले हैं, और ये क्रीम वाले हैं। तो अभी इनमें के कलियां नहीं आई हैं, और अगर आ जाते हैं तो फ्लावरिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला देखिए, ये वाला फ्लावर मुझे बहुत पसंद है, और ये आज ही खिलेगा, ये थोड़ी सी 9-10 बजे तक ही खिलेगा, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं तो अभी नहीं खिले हैं। यहाँ पर भी मैंने 2 कटिंग लगा ली है गेंदे के मैरीगोल्ड। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है पर्पल कलर का हिबिस्कस, ये देखिए इनकी कलियाँ अभी खिलने वाले हैं। और ये प्लांट में बहुत ज़्यादा मिलीबग की अटैक हो गया था, और मैंने इनको हटाया है, और पता नहीं फिर भी कहीं पर होंगे तो फिर देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कटिंग से तैयार हुए हैं, ऑरेंज कलर का गुड़हल। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये गुच्छे वाला गुड़हल है। और दोस्तों ये वाला जरबेरा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर ये वाइट वाले जरबेरा, ये देखिए। और ये कुछ गेंदे का फूल अभी खिल भी रहे हैं दोस्तों, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये नागचंपा बिल्कुल ऊपर खिल रहे हैं, और ये भी स्पेंट हो रहे हैं कुछ फ्लावर, इनको भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये दोस्तों कॉक्सकॉम के प्लांट हैं। और यहाँ पर देखिए, ये विनका के कुछ प्लांट यहाँ पर लगा लिया था, तो ये भी अभी चल रहे हैं, कुछ कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। और दोस्तों इस तरफ ये देखिए दोस्तों, ये पॉट तो है पुदीने की, पर देखिए इनमें रेन लिली कितने उगे हुए हैं, और इस तरह से सीड्स गिरकर इधर उधर बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये वाइट वाला अपराजिता, इसको मैंने नहीं लगाया, ये खुद ब खुद उगा है। और यहाँ पर देखिए, ये लाइट वायलेट कलर का अपराजिता, और आज एक ही खिला है, पता नहीं ये संडे के दिन क्यों नहीं खिलते।
और ये देखिए दोस्तों, ये है ब्लू कलर का। कल बहुत सारे खिले थे, बहुत सारे 20-25 तो खिले थे, जिनको मैंने तोड़ कर लिया था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है क्रोसेंड्रा के प्लांट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी खिला है क्रोसेंड्रा के प्लांट। ये देख सकते हैं, इसको मैंने बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और इनकी ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे जो कीड़े होते हैं ना, ये वाले, ये बहुत गंदे लगते हैं मुझे। और ये देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी, तो ये देखिए ये सारे जो ये भी यूफोर्बिया मिली जैसे ही फूल खिलते हैं, पर इनमें कांटे नहीं होते। और दोस्तों यहाँ पर ये, इसकी मैंने कटिंग लगा ली थी, ये वाले क्रिसेंथेमम की, तो उधर लगा, इसको बाहर थोड़ी सी लेकर आ गई हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारे यहाँ पर तुलसी के प्लांट्स हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉक्सकॉम के प्लांट नींबू के प्लांटर में, और नींबू के पत्ते को बिल्कुल खा लिया है कैटरपिलर ने। बहुत ज़्यादा कैटरपिलर होते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पर छुपे रहते हैं। और दोस्तों ये वाले जो पर्सलिन, मेरे पी के पर्सलिन हैं, ऐसे थोड़े से कूड़े में ही हो गए थे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पर इसकी जो एक होल बनानी पड़ी, तो इसको मैंने यहाँ से हटाया है। और लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए, ऐसे ही गिरे हुए हैं ये एलोवेरा, बिल्कुल मिट्टी थोड़ी सी ही है, मतलब कचरा में लगा हुआ है ये बस। और बहुत ज़्यादा एलोवेरा हो गए थे मेरे पास, तो मैंने निकाल तो दिया, इसका पॉट भी टूट गया था, तो फिर नहीं लगाया, ऐसे ही पड़े हुए हैं। 1.5 से 2 साल हो गए ऐसे ही पड़े हुए हैं और अच्छी तरह से चल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, कितने सारे क्रिसेंथेमम और भी हैं जिनको मैंने, जिनकी कटिंग्स लगानी है मुझे, और नहीं लगा पा रही हूँ, क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा है मुझे। और दोस्तों इस तरफ आते हैं तो ये देखिए टोरेनिया, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर टोरेनिया के, ये देखिए ये वाला कलर बहुत ही खूबसूरत कलर निकला है। और ऐसे कलर्स अपने आप ही निकलते रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ मोगरे के फूल अभी खिले हैं, ये देखिए ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी, बहुत ही खूबसूरत वाला फूल है। और ये देखिए स्टार जैस्मिन, स्टार जैस्मिन की भी दो वैरायटी आती हैं, इनकी थोड़ी सी और थोड़े से पतले पतले जो बर्ड्स निकलते हैं, ये देखिए इनके बर्ड्स बड़े बड़े होते हैं, और वो थोड़े से कम पेटल्स में आते हैं और छोटा फ्लावर होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे टोरेनिया लगे हुए हैं, और कुछ टोरेनिया की ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनको यहाँ से निकाल भी दिया है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट में ही मैं लगाती हूँ ये सारे जो टोरेनिया के प्लांट होते हैं, बिल्कुल फ्री प्लांटर में ही ये लगे हुए हैं। और एक दो प्लांट को ही मैंने यहाँ पर देखिए इसको लगाया है पॉट में, नहीं तो सारे फ्री के प्लांटर्स में ही लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए भूटान टगर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों बुश सलमंडा, ये देखिए कितने सारे फूल खिले हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं। और नीचे जो इसका मदर प्लांट है, इनमें इतने ज़्यादा फूल नहीं होते, क्योंकि छत पर इनको बहुत अच्छी तरह से धूप मिलती है, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से ये खिल रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये देखिए यूफोर्बिया मिली, बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए। और ये वाला रेड वाला है, और ये वाला अभी तक नहीं खिला है। इनकी, इसकी रिपोर्टिंग की थी मैंने, और इसकी थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी कर दी थी, शायद इसलिए ये थोड़ी सी देर लगा रहा है। और ये वाला प्लांट भी, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया था, फिर रिपोर्टिंग किया है, तो मगर ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, तो देखते हैं कब फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रजनीगंधा ट्यूबरोस, और अभी एक स्टिक है और स्टिक नहीं निकल रहा है, और देखते हैं, एक एक स्टिक ही निकल रही है, ज़्यादा स्टिक नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये देखिए दोस्तों, ये सारे एक्जरा के प्लांट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला एक्जरा बहुत सारे कलियों से भरा हुआ है,
पिंक वाला एक ज़रा। और यहाँ देखिए दोस्तों एडेनियम, इसकी एक सीड पॉट मैच्योर हो गया था तो मैंने इसको हटा दिया है और सीड्स निकाल कर भी रखा है, इसकी वीडियो भी शेयर किया था। और दूसरे प्लांट में भी सीड पॉट तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इनमें फिर से कलियाँ आ गई हैं, ये देखिए। मगर दुख की बात है कि सारे के सारे पिंक कलर या फिर रेड कलर ऐसे ही निकले, और मुझे बोला था कि ये वाइट होगा पर वाइट तो नहीं मिला मुझे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डबल चांदनी का प्लांट है, बारिश से फूल बिल्कुल स्पेंट हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। तो ये देखिए ये स्पेंट फ्लावर को ज़रूर हटाते रहना है क्योंकि ये ज़्यादा फंगस करती है। तो और दोस्तों बारिश में ज़्यादा फंगस भी लगती है, तो बिल्कुल प्लांट को साफ़ सफाई करके रखना है। और नीचे जो ज़मीन में प्लांट होते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, पर ऊपर जो गमले में लगाते हैं हम तो उनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ देखिए दोस्तों कितने सारे फूल, ये देखिए कितने सारे फूल स्पेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूमेरिया बहुत सारे खिले थे, और यहाँ पर ये कुंदा, यहाँ पर ये हाइब्रिड वाला कुंदा। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, संडे अपडेट का पार्ट टू है। और वीडियो बहुत लंबा होने पर फिर देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पर। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर रखते हैं यहीं पर, वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।